मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथ्स में अपने चैप्टर द जंक सेलर में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द नोट्स। सो आज हम नोट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 50 रुपीज़ का एक नोट है। 50 रुपीज़ का हमारे पास एक नोट है, तो इस एक नोट की वैल्यू कितनी हुई? 50 रुपीज़। सिंपल सी बात है, एक नोट है तो 50 रुपीज़ ही इसकी वैल्यू हुई। अब अगर मान लीजिए हमारे पास 50 रुपीज़ के टू नोट्स हैं, ये भी 50 रुपीज़ का नोट है और ये भी 50 रुपीज़ का नोट है, तो अब इन दोनों नोट्स की वैल्यू कितनी हुई? हम इसको काउंट करके आसानी से ले सकते हैं, 50 50 प्लस 100। 100 रुपीज़ इन दोनों नोट्स की वैल्यू हुई, 100 रुपीज़। तो बच्चों, जब नंबर ऑफ नोट्स कम हैं तब हम आसानी से उनको काउंट करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स ज़्यादा हैं तब हम कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए अब हमारे पास 50 रुपीज़ के 7 नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये सारे नोट्स हैं ना जो 50 50 रुपीज़ के हैं, ठीक है? ये 50 50 रुपीज़ के हैं सारे नोट्स। तब हम कैसे करेंगे? जल्द से जल्द अगर हम इसको काउंट करना चाहते हैं, जल्द से जल्द हम इनकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए आप। हम क्या करेंगे, हम एक नोट की वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये सारे नोट्स की वैल्यू तो सेम है, 50 50, है ना? सब 50 50 रुपीज़ के नोट हैं, तो एक नोट की वैल्यू हमने ले ली 50 रुपीज़। एक नोट की वैल्यू 50 है, तो अब हमें बताना कि 7 नोट्स की वैल्यू कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स, जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो है हमारे पास 7, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि एक नोट की वैल्यू को, ध्यान से सुनिए, एक नोट की वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नोट्स, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आया 350 रुपीज़। यानी कि 50 रुपीज़ के 7 नोट्स की वैल्यू हमारे पास आई 350 रुपीज़। सिंपल सा आंसर है, ठीक है? इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल देखिए बताती हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास हैं ये, अब है हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट, हमने 400 रुपीज़ के नोट लिए। ये चारों जो नोट्स हैं ये 100 100 रुपीज़ के, 100 100 100 100। अब इन चारों नोट्स की वैल्यू कितनी है अगर हम काउंट करेंगे? तो वैसे 4 ही नोट्स हैं, तो इसलिए हम आसानी से काउंट भी कर सकते हैं, बट हम और इजी तरीके से कैसे करेंगे? वही, एक नोट की वैल्यू कितनी है? 100। और नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 1 2 3 4 4। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया 400 रुपीज़। ईजी था ना? इसी तरीके से आप सभी नोट्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, पर ये तरीका बच्चों तभी यूज़ होगा जब हर नोट की वैल्यू सेम है, ठीक है? हर नोट्स की वैल्यू अगर सेम है ना, तो ही आप ये आंसर करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए अब अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास ना ये 50 रुपीज़ के 3 नोट्स हैं, ये 50 50 रुपीज़ के 3 नोट्स हैं, ये 50, ये भी 50 और ये भी 50, ये 50 50 रुपीज़ के 3 नोट हैं, और 2 नोट्स आपके पास है 10 रुपीज़ के, ये हैंगे 10 रुपीज़, वही 10 रुपीज़, तो अब इन सब की वैल्यू कित क्या होगी? तो कोई बात नहीं, हमारे पास 50 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं? ये रहे 3 नोट्स। तब पहले हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? तो एक नोट की वैल्यू है 50 रुपीज़, नंबर ऑफ नोट्स हैं 3, तो हमारे पास आ गया 150 रुपीज़, ठीक है? अब हम इन दोनों पर आते हैं, ये कितने नोट्स हैं? नंबर ऑफ एक नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 रुपीज़, और नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास कितने हैं? 2, तो हमारे पास आ गया 20। अब हम क्या करेंगे, इस 20 और इस 150 को प्लस कर देंगे, तब हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास 170 रुपीज़, ठीक है? तो जितने भी सेम वैल्यू के जो नोट्स है, पहले हमने उनको कैलकुलेट किया, ये सेम वैल्यू के नोट्स है, पहले हमने इनको कैलकुलेट किया, फिर ये सेम वैल्यू के नोट्स थे, फिर हमने इनको भी कैलकुलेट कर लिया, और फिर जब दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लिया तो दोनों के जो आंसर्स थे उनको हमने प्लस कर लिया और टोटल हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है? इसी तरीके से आपको बच्चों ये क्वेश्चंस करने हैं, इनकी वैल्यूज़ आपको लिखनी है।
ये आपका होमवर्क है और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है, आप आसानी से करेंगे। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, गुड लक।